एक्स की वैल्यूज का कांसेप्ट आप थोड़ा समझ लीजिए। एक्स की वैल्यूज का कांसेप्ट कैसा है, जैसे एग्जांपल देता हूं, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आती है, +2 और -2। उसी हिसाब से देखेंगे ना, ये 0 है, ये -2, ये +2, यानी x की सिर्फ दो वैल्यू है, एक -2 और एक +2, इन दोनों के अलावा कोई भी x की वैल्यू नहीं है, बस इतनी ही है। वैल्यू तो बहुत सारी रहती है ना, 0 और 2 के बीच में, या कई सारी वैल्यू है, इधर भी है, लेकिन इस प्रॉब्लम के लिए x की वैल्यू सिर्फ 2 ही है, -2 और +2। लेकिन अगर मैं ये लूं x स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 4, यानी x का स्क्वायर करने पर आंसर कितना आता है, 4 नहीं आता, 4 से कम आता है। तो x का स्क्वायर करने पर आंसर अगर 4 से कम आता है तो x की वैल्यू कौन सी होगी, ऐसी कौन सी होगी। फॉर एग्जांपल बोलो, अगर आपने 1 स्क्वायर पुट किया तो आंसर आता है 4 से कम, तो x की वैल्यू 1 होगी, है ना। x की वैल्यू 1.2 भी हो सकती है, 1.2 का स्क्वायर होता है 1.44। अब बताओ ये भी 4 से कम है, तो x की वैल्यू 1 भी है, 1.2 भी है, बहुत सारी होंगी ना, वो हमें पता करना है। तो कैसे पता करना, इसके जैसा ही करना, जैसा आपने यहां पे टेकिंग स्क्वायर रूट किया था वैसे ही टेकिंग स्क्वायर रूट किया तो क्या आएगा, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x होगा और 4 के स्क्वायर रूट होंगे +2 और -2। तो लिखना कैसे, नेगेटिव इधर लिखना, पॉजिटिव उधर लिखना, नेगेटिव इधर लिखना, पॉजिटिव उधर लिखना, इसके स्क्वायर रूट -2 और +2 इधर लिखना बीच में, और ये जो साइन है वही साइन देना, वही साइन देना, ये लेस देन का साइन। अब क्या होता है, ये है अपना -2 और ये है +2, तो x की वैल्यू -2 से बड़ी है, तो -2 से बड़ी है उधर, लेकिन साथ में 2 से छोटी है, तो 2 से छोटी यानी ये वाली होगी, तो ये है अपना रीजन, ये है। यानी इसका मतलब -2 और 2 के बीच की कोई भी वैल्यू लोगे तो इसका सेटिस्फेक्शन होगा, यानी x की यहां से यहां की कोई भी वैल्यू पुट करो स्क्वायर कैसा आएगा, 4 से छोटा आएगा। फॉर एग्जांपल 0 पुट करो तो भी स्क्वायर 4 से छोटा आएगा, हमने 1 -1 कोई भी पुट करो, ये -1.8 -1.9 कुछ भी, 1 से बड़ी 1.9 1.99 कुछ भी, यानी -2 और +2 के बीच की कोई भी पुट करो स्क्वायर करने पर क्या आएगा, 4 से छोटा आएगा। लेकिन अगर आप -2 और +2 पुट करोगे तो फिर 4 आएगा, और हमें एग्जैक्ट 4 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 4 से छोटा। तो वैल्यू कौन सी, -4 और 2 के बीच की, तो इसको लिखते कैसा ही है, ऐसा लिखते हैं। दूसरा भी तरीका है, ब्रैकेट में लिखना, कौन से ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, राउंड ब्रैकेट में लिखना। इसका मतलब -2 से +2 के बीच में x की वैल्यूज है, वो भी है, लेकिन ये दोनों नहीं है, -2 +2 नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कि इसका मतलब इसमें -2 +2 है, यानी -2 -1.8 है ना, -1.6 -1.20 -0.5 0 0.6 0.9 1 1.5 1.99, यानी -2 से लेकर 2 तक सब, -2 से लेकर 2 तक सब वैल्यू है, -2 और 2 भी है, दोनों भी है, लेकिन अगर मैंने राउंड ब्रैकेट किया तो इसका मतलब क्या होता है, कि -2 और +2 नहीं है, बीच की सभी है, और हमें -2 और +2 नहीं चाहिए, उसके बीच, इसलिए राउंड ब्रैकेट करना ऐसा। तो तुम चेक करो, इसकी कोई भी वैल्यू पुट करो इसमें तो स्क्वायर 4 से कम आ जाएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल दो ना, आप 3 पुट करो, 3 स्क्वायर होगा, 3 पुट किया तो क्या होगा, 3 स्क्वायर कितना होगा, 9। अब बताओ ये 4 से छोटा है क्या, तो मैच नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ यही वैल्यू मैच करेगी। अब तीसरा, हो सकता है कि x स्क्वायर लेस देन 4, सॉरी ये लेस देन 4 था, अब आंसर क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 4। अब ग्रेटर देन 4 आना चाहिए, तो वही कांसेप्ट है, इसका स्क्वायर रूट x, 4 के स्क्वायर रूट -2 और +2, देखो जैसा इसने किया था, जो साइन है वही देना, जो साइन
लिखेंगे वही देना, लेकिन याद रहे इस बार दोनों अलग अलग लिखना, यानी ये रफ में लिखना, ये अलग करना और ये अलग करना। यहाँ पे माइनस टू और ये कॉमा करके या फिर एंड दो और ये अलग अलग करना, इनका सेट नहीं बनता। क्यों नहीं बनता देख लो, ये है माइनस टू, ये प्लस टू जीरो। अब आप बताओ एक्स की वैल्यू कैसी है, माइनस टू से छोटी, तो माइनस टू से छोटी कौन है, तो माइनस टू से छोटी वैल्यू इधर आती है माइनस थ्री, ये सब छोटी वैल्यू है माइनस टू से। यहाँ पे क्या एक्स की वैल्यू टू से बड़ी, अब टू से बड़ी किधर आती है उधर, तो इनका कोई कॉमन सेट बनता नहीं है। कॉमन का बनता है, ये अलग है वो अलग है। यहाँ पे इसकी वैल्यू माइनस टू से छोटी है और वहां पे इसकी वैल्यू टू से बड़ी है, तो दोनों अलग अलग है ना, इसलिए दोनों को अलग लिखना कि माइनस टू से छोटी अलग एंड इसकी वैल्यू टू से बड़ी वो अलग। ये मैंने ज्योमेट्री के फिगर से बता दिया, इसलिए इनका ऐसा सेट कर्ली ब्रैकेट इसमें नहीं बना सकते, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट क्या होता है, जब एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू तक हम पहुंचते और ऐसा सेट इंटरवल बनता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है नहीं, ये सेट अलग है और ये सेट, और वैल्यूज बहुत सारी हो, अगर बनाना चाहे तो ऐसा बना सकते हैं। कैसे देखो, x की वैल्यू माइनस टू से छोटी है, तो माइनस टू से छोटी है इधर ना, तो इधर आता है इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, और अगर टू से बड़ी है तो बड़ी कितनी, थ्री फोर फाइव सिक्स अनलिमिटेड है। तो इसमें दो आंसर हो सकते हैं, कौन से, x की वैल्यू क्या है माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू तक, ठीक है, और दूसरी x की वैल्यू क्या है 2 से लेकर इंफिनिटी तक, यानी 2 से इंफिनिटी तक। और इधर देखो हमेशा पहले लेफ्ट और राइट ऐसे लिखना पड़ता है, इसलिए यहां भी लिखेंगे माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 तक, उधर लिखेंगे 2 से इंफिनिटी तक। ये होगी x के दो अलग-अलग सेट बनेंगे यहां पे, ये है x की वैल्यूज और अनलिमिटेड वैल्यू है, यहां पे भी x की वैल्यू अनलिमिटेड ही है, माइनस 2 और 2 के बीच की इनफाइनाइट वैल्यूज है यहां पे। ये सब वैल्यूज अगर पुट किया तो आंसर 4 से छोटा जाएगा, और अगर आप यहाँ पे 2 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो आंसर 4 से बड़ा है। 2 से बड़ी कोई भी पुट करो, 3 4 3 स्क्वायर 9 आता है 4 से बड़ा। इधर -2 से क्या छोटी पुट करो कोई भी, तो भी आंसर 4 से बड़ा चलेगा। तो याद रखना ग्रेटर देन और ये लेस देन, लेस देन में ऐसे ही रहने देना, दोनों की टेक्निक सेम है, सिंबल जैसा वैसा। 4 का स्क्वायर रूट -2 +2, 4 का स्क्वायर रूट -2 +2, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, x बीच में। और एक बार क्या है ये लेस देन में जैसा है वैसा, यही अपना आंसर है। ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो, दोनों सही है। लेकिन ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन में ऐसा आंसर लिखना नहीं, ये आपको बताया जरूर है मैंने समझने के लिए, लेकिन रफ में लिखना। कैसे, 4 के स्क्वायर रूट -2 +2 x बीच में, वही साइन देना लेकिन अब इनको अलग अलग करके लिखना, यानी ये रफ में जरूर लिखना लेकिन अलग, ये अलग लिखना वो अलग लिखना। और इसका ज्योमेट्रिकली पता है 2 से बड़ी, 2 से बड़ी यानी 2 से इंफिनिटी और -2 से छोटी, यानी तो ये अलग अलग कंसेप्ट है, आप हमेशा भी याद रखना।